बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूं कि आज का नाश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में बना करके तैयार किया है। ना तो इसे गूंथना है और ना ही बेलना है। बहुत ही इजी पीजी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। और आप इसे खा करके वेट लॉस भी कर सकते हैं, मतलब खा पी करके पतले दुबले रहना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर पत्ता गोभी ले लेंगे। एक छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है। इसे ना बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। तो आप चाहें तो इसे मिक्सर में बारीक कर ले, या फिर किसी ग्रेटर से बारीक कर ले, या फिर आप इसे नॉर्मली चाकू से भी काट काट के बारीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है और बहुत ही कम टाइम में हो भी जाता है। इसे ना हमारे तरफ पत्ता गोभी की टिकरी या फिर लिट्टी बोलते हैं, और इसी तरीके से ना मूली की भी बनाई जाती है, लौकी की भी बनाई जाती है। शायद लौकी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना पत्ता गोभी को अच्छे से धो लिया था और इसे मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम फाइन हो जाना चाहिए, इससे ये बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। आप इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही चाव से खाएँगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर जो पत्ता गोभी है ना वो मैंने बारीक कर लिया है, इसे रखते हैं अभी हम साइड में। और इधर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैं यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप क्या करें ना, प्याज को स्किप कर दें और इसकी जगह पे गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया लिया था, इसे भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मिक्सर के जार में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्ची, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ों को एक बार यहाँ पर चला लेंगे, मतलब थोड़ा सा बारीक हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इसे फाइन नहीं करना है। और अब ना मैं इसमें चना दाल ऐड करने वाली हूँ, जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था, और ये 1 मुट्ठी के करीब चना दाल है। जार में ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 टीस्पून खड़ा जीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। और यहाँ पर अब सारी चीज़ों को दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है, तो ही जो हम पत्ता गोभी की टिकरी बनाएंगे ना उसका टेक्सचर अच्छा आएगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगी। लेकिन अगर आपके पास भीगे हुए चना दाल नहीं है तो आप क्या करें ना, 1/4 का बेसन इस्तेमाल कर लें या फिर स्किप कर दें, आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इसमें आपको ऊपर से एक्स्ट्रा पानी वगैरह भी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर अच्छे से आपको समझा करके बता रही हूँ ना, तो आपको देख करके लग रहा होगा कि बड़ा ही टफ है, लेकिन बिलीव मी, सारी चीज़ों को काट कूट करके डाल देना एक बाउल में, कुछ भी झंझट नहीं है, बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अब मैं यहाँ पर बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा। तो ये मैंने 1 कप चावल का आटा लिया था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। आप ना इसकी क्वांटिटी जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ना, आपको पता चलते जाएगा, मतलब जब इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए ना, तो आपको और चावल का आटा इसमें ऐड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, और थोड़ा कम ज़्यादा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। मुझे यहाँ पर 3/4 कप के करीब आटा लग गया है। और हाँ, अगर आप चावल का आटा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो जाती है, या फिर रागी का आटा भी। अभी मैं यहाँ पर एक झटपट वाली तीखी हरी चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया, मिर्ची, लहसुन, भुने हुए मूंगफली और जीरा, हींग, नमक ऐड किया है। साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया। सारी चीज़ों को पानी डाल करके पीस लेंगे और इसकी चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। लेकिन मैं सच बताऊँ, ये जो पत्ता गोभी की टिकरी है ना, सॉस के साथ, चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। हम लोग बचपन में इसे जनरली चाय के साथ ही खाते थे, लेकिन अब मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ उतना ज़्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ पर हरी चटनी बनाई है, और ये भी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन अगर आप चाय पीते हो ना, तो इसे आप ज़रूर से चाय के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। मैंने इधर तवा चढ़ा दिया था जो कि अच्छे से गर्म हो गई है, लोहे का ही तवा है। लोहे के तवे में ये बहुत ही अच्छी बनती है, क्रिस्पी भी बनती है। तवे में हम 1/2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और हाथों से इसे फैलाएंगे।
हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें, उसके बाद इसे फैलाएं। अगर आपको हाथ से यहाँ पर फैलाने में प्रॉब्लम होती है, आपको डर लगता है, गर्म लगता है, तो मैं यहाँ पर एक और तरीका बताऊंगी, उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया ऊपर के साइड, और इसे आप क्या करेंगे, अलटते पलटते दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखना है, और इसे दोनों साइड जब तक अच्छा कलर ना आ जाए तब तक के लिए सेक लेना है। जैसे ही अच्छे से सिक जाए हम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बता रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑडी को बेक लिया है। ये 100% इको फ्रेंडली है। हल्का से इसमें तेल लगा देंगे, और जो मिश्रण है ना, अब हम इसके ऊपर फैलाएंगे अच्छे से हाथ से। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये फैल जाएगी। तवे में फैलाने से थोड़ा बहुत डर भी लगता है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। मुझे तो सबसे ज़्यादा आराम तवे में ही लगता है, मैं तो डायरेक्टली उसी में बना देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो। लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है। उसके बाद आप क्या करें, इको बेक को हटा दें, और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है ना। अलटते पलटते दोनों साइड अच्छे से सेक लें, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं ये और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आप महाराष्ट्रियन स्टाइल में, मतलब पत्ता गोभी का थाली पीठ भी बोल सकते हैं। बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मम्मी अक्सर बनाती थी घर में, तो आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।